प्रीवियसली हमने इनफॉर्मल फैलेसीज़ के सेवरल टाइप्स की बात की थी, और आज हम इनफॉर्मल फैलेसीज़ की सेकेंड टाइप की बात करेंगे, जिसका नाम है फैलेसीज़ ऑफ प्रिजम्पशन। फैलेसीज़ ऑफ प्रिजम्पशन बाकी सब टाइप्स की तरह कोई एडिक्वेट रीज़न प्रोवाइड नहीं कर पाती फॉर बिलीविंग द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन्स, लेकिन ये डिफरेंट इस तरह से हैं कि इनकी जो एरोनियस रीजनिंग होती है वो रिजल्ट करती है फ्रॉम एन इम्प्लिसिट सपोजिशन ऑफ सम फर्दर प्रोपोजिशन हुज ट्रुथ इज़ अनसर्टन और इम्प्लॉजिबल। फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं और हम इनको टर्न बाय टर्न गो थ्रू करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन इज़ द फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, और ये आप शुरू करते हो विद द स्टेटमेंट ऑफ सम प्रिंसिपल जो सच तो है एज अ जनरल रूल, बट देन यू मेक द मिस्टेक ऑफ अप्लाइंग दिस जनरल रूल टू अ वेरी स्पेसिफिक केस जो अनयूजुअल हो या एटिपिकल हो इन सम वे। इसकी मिसाल हो सकती है ये कहना कि वीमेन फॉर एग्जाम्पल अर्न लेस देन मैन फॉर डूइंग द सेम वर्क। ओप्रा विनफ्रे इज़ अ वुमन, देयरफॉर ओप्रा विनफ्रे अर्न्स लेस देन मेल टॉक शो होस्ट्स। अब अगर यहाँ पे शायद अगर फर्स्ट प्रेमिस एक यूनिवर्सल प्रेमिस होता, एक यूनिवर्सल रूल होता, तो इट मे हैव एंटेल्ड द ट्रुथ ऑफ दिस कंक्लूजन, लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रेमिस एक जनरल रूल था नॉट अ यूनिवर्सल रूल, एंड जनरल रूल्स यूजुअली लीव स्पेस फॉर एक्सेप्शनल केसेस लाइक दिस वन, तो यहाँ पे एक जनरल रूल को एक बहुत स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करना फलेशियस है। सेकेंड फैलेसी का नाम है द फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, और ये पिछली फैलेसी का ऑपोजिट है। यानी यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक स्पेसिफिक केस के साथ जो अनयूजुअल या एटिपिकल है किसी वे में, और फिर हम मिस्टेक करते हैं बाय डिराइविंग फ्रॉम दिस केस द ट्रुथ ऑफ अ जनरल रूल। इसकी मिसाल हो सकती है ये कहना कि अब्दुल्ला इज़ टॉल एंड ही इज़ गुड एट बास्केटबॉल, देयरफॉर पीपल हु आर टॉल आर गुड एट बास्केटबॉल। यहाँ पर यह ऑब्वियस है कि एक सिंगल इंस्टेंस काफ़ी नहीं होता टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ ऑफ सच अ जनरल प्रिंसिपल, एंड सिंस इट्स ईजी फॉर दिस कंक्लूजन टू बी फॉल्स इवन दो द प्रेमिस इज ट्रू, ये आर्ग्यूमेंट अनरिलायबल है। नेक्स्ट फैलेसी है द फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, जहाँ पे हम इन्फर करते हैं द प्रेजेंस ऑफ अ कॉजल कनेक्शन सिंपली क्योंकि हम इवेंट्स के बीच में एक कोरिलेशन देखते हैं। इसकी मिसाल हो सकती है ये कहना कि द मून वॉज फुल ऑन थर्सडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई ओवर स्लेप्ट, देयरफॉर द फुल मून कॉज्ड मी टू ओवर स्लीप। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी एक ऐसी फैलेसी है जो अपना ही कंक्लूजन, अपने ही आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन यूज करती है एज वन ऑफ द प्रेमिसेस ऑफर्ड इन इट्स ओन सपोर्ट। ऑल्दो ये एक बहुत इम्प्लिसिट या डिस्गाइज्ड फैशन में होता है, इसका एक एक्सप्लिसिट वर्जन एक मिसाल इस तरह की होगी बाय सेइंग ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव हेयर, सिंस एनिमल्स विद हेयर बेयर लाइव यंग, डॉग्स बेयर लाइव यंग, बट ऑल एनिमल्स दैट बेयर लाइव यंग आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अनलाइक द अदर फैलेसीज वीव कंसिडर्ड, ये वाली फैलेसी बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी इन्वॉल्व करती है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो फॉर्मली वैलिड है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट हमें कोई सफिशेंट सपोर्ट नहीं पेश करता फॉर द ट्रुथ ऑफ इट्स कंक्लूजन, वी कॉन्ट यूज़ इट अनलेस वी हैव ऑलरेडी ग्रांटेड दैट। लास्ट टाइप ऑफ फैलेसी इज़ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। द फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन presupposes the truth of its own conclusion by including it implicitly in the statement of the issue to be concerned. For example, by saying, have you tried to stop watching too much television? If so, then you admit that you do watch too much television. If not, then you must still be watching too much television. Therefore, you watch too much television. तो पिछली फैलेसी की तरह इसमें भी सेम डिफिकल्टी है कि हम विलिंगली पहले प्रेमिस को अग्री नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, unless we have already accepted the conclusion that this argument is trying to prove.